लोकसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है। एक सभा के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पहले के चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए माफी मांगते हैं। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। इस रैली के दौरान दोनों ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार सत्यजीत पाटिल के चुनावी रैली में समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और उनके महाविकास अघाड़ी सहयोगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने एक रैली में शामिल हुए। इस दौरान भाषण देते हुए ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को धोखा दिया है और वो पहले के चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांग रहे हैं। इसके साथ ही उद्धव भाजपा पर जमकर बरसे और 2022 में सरकार गिरने का जिक्र करते हुए कहा कि असली शिवसेना किसकी है। इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के स्पीकर, जो कि बीजेपी के लिए नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। ठाकरे ने कहा कि अब जब पीएम मोदी ने हमें नकली शिवसेना कहते हैं तो वो अदालत पर दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने कथित भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र दौरे के वक्त भी पीएम मोदी अपने आगे की योजनाओं को बताने से ज़्यादा मेरी और ठाकरे की आलोचना करते रहते हैं। सत्यजीत पाटिल के साथ ही ठाकरे और पवार ने कांग्रेस उम्मीदवार शाहू छत्रपति के लिए कोल्हापुर में एक और रैली में शामिल हुए। इस रैली में पवार ने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, चाहे आप हमारी कितनी भी आलोचना करें और राज्य और देश के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर दें, महाराष्ट्र के लोग आपको सबक सिखाएंगे। कुछ समय पहले पीएम ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पवार के आपदा प्रबंधन कौशल की प्रशंसा की थी। पवार ने इसी मंच पर कहा कि पहले के समय में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राज्यों के दौरे करते थे तो देश के बारे में बात करते थे और इंदिरा गांधी गरीबी उन्मूलन के बारे में बात करती थी, लेकिन अब पीएम को तब तक आराम नहीं मिलता जब तक वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना नहीं साधते।